कोरोना वायरस शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है। इसके नए रूप और ज्यादा घातक बताए जा रहे हैं। जहां एक तरफ कोविड की दूसरी लहर अब धीमी पड़ने लगी है, मगर इस बीच कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का विषय बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेल्टा प्लस कोरोना के अन्य रूपों की तरह फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। ये जानकारी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर एन के अरोड़ा ने दी है। उन्होंने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट फेफड़ों की समस्याओं का कारण बन सकता है, लेकिन ये किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, इस पर अभी अध्ययन हो रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि कोरोना के अन्य रूपों की तुलना में डेल्टा प्लस फेफड़ों में म्यूकोसल लाइनिंग को अधिक प्रभावित कर सकता है, लेकिन ये कितना नुकसान पहुंचाता है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस रूप को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि ये प्रकार अधिक गंभीर बीमारी का कारण नहीं बनेगा या अधिक संक्रामक नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि ये बीमारी आमतौर पर उन सभी में हल्की होती है जिन्होंने कोविड 19 वैक्सीन की एक या दोनों खुराक ली है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरियंट के पहचाने गए मामलों की संख्या अधिक हो सकती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोविड 19 के लक्षण नहीं है वो वायरस फैला सकते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ट्रांसमिशन दक्षता को समझने के लिए प्रसार पर बहुत करीबी नजर रखने की जरूरत है। निश्चित रूप से इन जिलों में टीकाकरण बढ़ाना होगा। अब आपको बताते हैं कि आप अपने फेफड़ों को कैसे स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं। व्यायाम, एक्सरसाइजेस जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, दौड़ना, तैरना या साइकिल चलाना आदि से सांस लेने की क्षमता बढ़ती है और फेफड़ों की क्षमता में सुधार होता है। फेफड़ों की क्षमता में सुधार करने के लिए आपको भारी परीक्षण या उच्च तीव्रता वाले अभ्यासों की जरूरत नहीं है। गहरी सांस लेने की तकनीक का अभ्यास करें, विशेष रूप से ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के मरीज इसे करें। जिन्हें कोई ऐसी समस्या नहीं है उन्हें भी इसका पालन करना चाहिए। डायफ्रामिक टेक्निक गहरी श्वास को बढ़ावा देती है। डायफ्राम मांसपेशी को फेफड़े से पेट में अंगों को अलग करने को बढ़ावा देता है। साथ ही लॉन्ग ब्रीदिंग भी करें। इसके साथ ही प्रोनिंग जैसी टेक्निक को भी अपनाएं। सही भोजन करना, अच्छी तरह से व्यायाम करना और किसी भी प्रकार के जहरीले तत्वों से बचना स्वस्थ फेफड़ों की क्षमता रखने का मूल मंत्र है। सही मात्रा में प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजों के सेवन से श्वसन की मांसपेशियों और फेफड़ों की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। अच्छी तरह से हाइड्रेट रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, ये फेफड़ों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शरीर के बाकी हिस्सों के लिए। एलर्जी या किसी भी फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों को सलाह के अनुसार नियमित रूप से निमोनिया और फ्लू के लिए टीका लगाना चाहिए। प्रदूषण भी फेफड़ों की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। प्रदूषण से बचने के लिए आपको घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना चाहिए। वही अधिक वजन होने से फेफड़ों की क्षमता भी कम हो जाती है, क्योंकि पेट का मोटापा फेफड़ों को उचित तरीके से काम नहीं करने देता है। फेफड़े की क्षमता बनाए रखने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात धूम्रपान से छुटकारा पाना है। इसके अलावा अन्य तंबाकू उत्पादों से बचें। हुक्का भी फेफड़ों की क्षमता के लिए हानिकारक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हेल्थ से जुड़ी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।